संबद्ध कॉलेज के शिक्षकों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आज तीसरे दिन भी। कुलसचिव से वार्ता विफल हुई। मांगों के समर्थन में संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति के सदस्यों ने फूका कुलपति का पुतला। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो 17 तारीख को विश्वविद्यालय की नाकाबंदी करके हम CM की रैली का वहीं से विरोध करेंगे और आत्मदाह कर लेंगे। आज सर अहाँ सब शिक्षक संघ के भूख हड़ताल के लिए एक मुख्य उद्देश्य की छे? उद्देश्य है कि मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत जते संबद्ध महाविद्यालय छे ओहिमे पद सृजन के मामला लंबित छे। पहिने छे कि राज्य यही विश्वविद्यालय राज्य सरकार के पास हम लोगों का पद सृजन विधिवत रूप से पारित कर सिंडिकेट से नियम के प्रक्रिया के अंतर्गत कर अपनी अनुशंसा के साथ राज्य सरकार को भेजा था। राज्य सरकार ने उन्हें पूरा वापस कर दिया और कहा कि ये आपका अधिकार है और आपको पास करना है। तो जो विश्वविद्यालय ने सारे नियमों को जांचते हुए उसको भेजा और जब सब उचित माना तभी तो भेजा, उस पद को अभी विश्वविद्यालय लेकर गुप्पी मार के बैठा हुआ है, ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उनकी मनसा बाह जनित कारण से उसको लंबित रखे हुए हैं। तो अब हम लोगों ने अपनी लड़ाई में अनेकों बार विश्वविद्यालय प्रशासन को कहा कि जब ये अधिकार आपके क्षेत्र में आता है तो आप पद सृजन का काम करें, लेकिन विश्वविद्यालय उसको अपने ही द्वारा पारित किए हुए को लंबी मार के रखे हुए है। इसमें स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय की मंशा स्पष्ट नहीं है। हम लोगों ने अनेकों बार विश्वविद्यालय प्रशासन कुलपति से लेकर के सबों को कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इसलिए बाध्य होकर के अपने उचित मांगों के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन 12 फरवरी से भूख हड़ताल पर गए हैं। हम लोग कोई नाजायज मांग नहीं, जो तुम विश्वविद्यालय के अंतर्गत तुम पास करके भेजे हुए, राज्य सरकार को भेजे हुए, पारित कर करके सिंडिकेट से, और अब उसको करने में आपको क्या विलंब होता है? अपने ही करने को आप हेरी फेरी बतियाते हैं। उससे उनकी मनसकता स्पष्ट है विश्वविद्यालय की, कुछ कहीं ना कहीं उनका इसमें अंडरग्राउंड डीलिंग छिपा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग उसके खिलाफ में, और हम लोगों की मनसा है कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय शिक्षकों की जो उचित मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उसको पूरा करे। इसी उद्देश्य अनिश्चितकालीन हड़ताल पर प्रोफेसर मधुरंजन प्रसाद Yeah.
बैठक हुई। हम लोगों ने अभी पुतला दहन का कार्यक्रम किया। किन
मांग को लेकर हम संबद्ध महाविद्यालय में जितने शिक्षक अनुशंसित है उनके पद सृजन के संबंध में हम लोग बार बार ज्ञापन दिए, अभी तक हम लोगों का आज सूचना जारी नहीं हुआ है पद सृजन से संबंधित। आज क्या किया आप लोग और कहाँ पर किया? आज हम लोग विश्वविद्यालय के चौरंगी पे भ्रष्ट कुलपति का उत्पादन का कार्यक्रम किए। इसके बाद आगे का क्या रणनीति आप लोग? आगे का रणनीति हम लोगों का है जो 16 और 17 को हम लोग दलित नारायण मित्रा विश्वविद्यालय का नाकेबंदी का कार्यक्रम करेंगे और इससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संबंध महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षाकर्मी उस दिन उपस्थित रहेंगे। 17 तारीख को मुख्यमंत्री का पौड़ा में हम लोग विश्वविद्यालय का नाकाबंदी करके विश्वविद्यालय का सब गेट बंद कर देंगे और वहीं से बैठ के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का हम लोग विरोध करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रोफेसर अखिल रंजन झा, संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के मुख्यमंत्री के सामने में आत्मदहन कर देंगे। इधर आइए, आराम से बोलिए, हड़बड़ा के नहीं बोलिएगा, कैमरा बंद करके। क्या मांग है आप लोग, किस लिए आप लोग पुतला दहन किया, किनका? बहुत आसान मांग है, हम लोगों का 40 बरस से त्याग तपस्या हो रहा है, हम लोग 40 बैच को निकाल करके देश में भगा दिए हैं और आज 40 बरस में आज ये मुख्यमंत्री के पास खजाना नहीं है और कहते हैं कि शिक्षा पर हम सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये धोखाधड़ी वो कर रहे हैं। अभी अभी हमने कहीं आंध्र प्रदेश का दौरा किया और तेलंगाना का दौरा किया, वहाँ शिक्षा की स्थिति इतनी अच्छी है कि एक भी की कांड नहीं हो रहा है, लड़का को मौका नहीं हो रहा है, टीचर वहाँ क्लास कर रहे हैं 9 बजे 10 बजे जो कॉलेज में जाते हैं टीचर। आज की कार्यक्रम क्या किए आप? आज के कार्यक्रम ये किए हैं कि पुतला दहन हुआ है वीसी साहब का और उसके बाद आगे जो मुख्यमंत्री से लड़ाई हम लोग लड़ेंगे कि वो कि नहीं देते हैं कि नहीं, नहीं तो हम लोग सब लोग एक सामूहिक कि नहीं आत्मदाह कर लेंगे। अब 40 बरस सर्विस करने के बाद अब बचा क्या है हमारे पास? क्या मांग आप लोग का? हमारा मांग है कि जल्द से जल्द कि नहीं सीजन किया जाए, लूट पर रोक लगाना। जमशेद अहमद, महात्मा गांधी कॉलेज से हम हैं, हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है कि आज तक हमको कि नहीं वो अनुदान राशि नहीं दिया गया है। शशि कृष्णा थथिया कॉलेज से 2010 से लेकर के अभी तक जितना भी अनुदान आया है वहाँ का प्रबंधन राजेंद्र नारायण सिंह मिल करके तमाम जो अनुदान को प्लान से वसीयत करवा करके निकाल लेते हैं। क्या नाम है? राम नरेश सिंह, शशि कृष्णा कॉलेज रोसड़ा। किया गया, किनका पुतला जलाया गया, किसलिए जलाया गया, पूरा डिटेल से बताएं। हमको हम लोगों का एक मांग है, विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जो पद सृजन संबंधी प्रस्ताव बिहार सरकार को भेजा गया था उसको ये अधिसूचना जारी कर दे। उसके लिए आज आमरण अनशन का 3रा दिन है, अभी हम लोगों को कुल सचिव जी वार्ता के लिए 2 बजे बुलाए थे। कुल सचिव जी और प्रोक्टर अजीत चौधरी जी और कॉलेज इंस्पेक्टर मोहन मिश्रा जी तीनों उसमें बैठे हुए थे। तीनों आदमी ने कहे, तीनों पदाधिकारी कहे कि आपकी बात जायज है, आपकी मांग जायज है, लेकिन कुलपति जी के आने के बाद हम लोग कोई निर्णय करेंगे। जब हमारी मांगे जायज है तो क्यों नहीं मांगे मानी जा रही है? और आज हम लोग कुलपति जी का पुतला दहन करने का प्रयास, पुतला दहन करने का कार्यक्रम किए हैं और 16 और 17 से मिथिला विश्वविद्यालय की नाकेबंदी होगी, जिसमें विश्वविद्यालय के सारे पदाधिकारी को नजरबंद किया जाएगा, यही हम लोगों का मांग है। 17 तारीख को मुख्यमंत्री के पौड़ा में क्या करेंगे हम लोग? 17 तारीख के मुख्यमंत्री जी को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उस साइड जो गेट है किला के अंदर मुख्यमंत्री जी के गेट के सामने में नाकाबंदी, विश्वविद्यालय के नाकाबंदी होगा, उस नाकाबंदी के तहत मेरा सैकड़ों शिक्षक उस किला के सामने में विश्वविद्यालय का नाकाबंदी करेंगे, कुलपति के आवास का नाकाबंदी करेंगे, रजिस्ट्रार के नाकाबंदी और विश्वविद्यालय के सारे अधिकारी और पदाधिकारी को जाने से रोकेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर राम मोहन झा, हम मुख्य संरक्षक संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति और जदयू शिक्षक प्रकोष्ठ के वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष। लिखा हुआ लेटर है हमारे पास, हम कॉलेज में काम करते करते ये तारीफ पता दिए हैं लेकिन कोई अनुदान राशि आज तक नहीं मिला।
हमसे एफिडेविट ले लेकर के रख लिया। आपको आज में अकेले कोई उत्साह तो नहीं है? स्वयं निर्णय लिया? नहीं नहीं, स्वयं निर्णय लिया है भाई। हमारा जीवन की नहीं है, एकदम नरक बन गया है अब की नहीं। हम इस सरकार के की नहीं, खिलाफ आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार है। सरकार को गिनी एक अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि उसको गिनी रोंगटा खड़ा हो कि शिक्षा का कैसे कि नहीं सत्यानाश कर दिया है उसने। सबसे आप करेंगे क्या? आप करेंगे क्या? करेंगे क्या? ना करेंगे। हाँ तो और क्या करेंगे आप? अरे भाई आप बोलिए ना, आत्मदाह करने का निर्णय ले लिया है हमने के मुख्यमंत्री के समक्ष आत्मदाह करेंगे अपनी मांग। हाँ, अपनी मांग के लिए के ये जो कि नहीं कॉलेज का जो सत्यानाश हालत बना के रख दिया है और कह रहे हैं क्या 13 साल में हमने चमत्कार कर दिया है। कमाल है भाई, चमत्कार कर दिया है। आपका नाम है? अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के तहत हम आत्मदाह करेंगे। हमारे 4 साथी जो है भूख हड़ताल पर है, उनके की सपोर्ट में अपने जीवन को त्याग करेंगे। जमशेद अहमद फ्रॉम महात्मा गांधी कॉलेज। मिथिला की तमाम ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मिथिला लाइव 24।